तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगोड नोएडा भारत से, और एक गाड़ी है होंडा सिटी आईबी टेक। एक अच्छी जो मेजर सर्विस होती है गाड़ी की वो करने वाले, क्योंकि 3 साल से खड़ी थी तो बहुत सारा रस्टिंग का प्रॉब्लम आया, इंजन भी जाम है इसका। तो एक एक चीज़ हम मतलब एक मेजर सर्विस में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उस पूरी डिटेल में बारीकी से जानते हैं। तो पहले बाहर की चीज़ों को देखते हैं, फिर इंटरनल अंदर की चीज़ों को देखेंगे। तो बाहर में मेरे को थोड़ा सा कुछ पॉइंट नोटिस किया मैंने, जैसे वाइपर ब्लेड पूरा गल गया है, देख सकते हैं पूरा रस्टिंग की वजह से दिखाई दे रहा, लाइनिंग आ गई है जो कि ये वाइपर ब्लेड खराब है, तो ये मुझे बदलना पड़ेगा। इसके जो नक्के हैं ये फट रहे हैं, ये नक्के, और ये थोड़ा सा मेरे को कलम टचिंग करनी पड़ेगी पेंट से, ये चीज़ें मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। ब्रेक इसके लग नहीं रहे, बड़ी कोशिश किया मैंने, देख सकते हैं रस्टिंग बहुत ज़्यादा। तो फेंडर लाइन पूरी फट रही है, तो मुझे फेंडर लाइन को चेंज करना पड़ेगा, ये देख रहे हैं ना मड फ्लैप, तो ये चीज़ भी मेरे को क्लीन दूसरा डालना पड़ेगा। थोड़ी सी ये रस्टिंग का प्रॉब्लम है, तो ये मेरे को कलम टचिंग करनी पड़ेगी, कलम टचिंग यहाँ करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखो, देख रहे हैं ना ये चीज़ है। ब्रेक शू जो है वो भी टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या कहानी है इसकी ब्रेक शू की। इधर आओ, अब इसका कलर फेड हो गया है, देख सकते हैं आप कलर पूरी तरीके से फेड हो गया है, और एक यहाँ डेंट है, ये थोड़ा सा जो है ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा इतना ये डेंट, और ये जो रस्टिंग पकड़ लिया है तो इसको मेरे को थोड़ा बनाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है सीसी पूरी पेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि कलर भी फेड हो गया है, डेंट भी है, और ये चीज़। और ये यहाँ होंडा सिटी की जो लोगो होती है वो भी नहीं है, ये लोगो तो ख़राब है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ये जो पैनल है, हाथ जिधर आ रहा है जाने दो, ये जो पैनल है ये नहीं करेंगे तो फिर पूरा डिक्की करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो मड फ्लैप ये भी करना पड़ेगा, तो ये भी फेंडर लाइन मुझे करना पड़ेगा जरूर हर हाल में। ये पूरा निकला पड़ा है, पहले से ही इसका भड हुआ पड़ा है, तो इससे मुझे नक्के बनवा के लेना पड़ेगा बहुत बढ़िया करके। ये तो रहा बाहर बाहर का, तो पहले बाहर का हम काम कराते हैं, फिर एक बार इंजन स्टार्ट करके देखते हैं। इधर देखो मीटर में, चेक लाइट तो कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन 45,469 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। इंजन के अंदर एक साउंड आ रहा है सर 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 का, देख सकते हैं आप, ये बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है, तो इसको करना पड़ेगा। इंजन चेक करता हूँ, इंजन की कहानी क्या, कोई एक बैरिंग खराब है। बंद कर, अभी बेल्ट निकाले हैं, और बेल्ट मुझे सही सा लग रहा है, कर स्टार्ट, बंद कर, सारा ही सही हो गया, सही है, टेशनर सही है, वाटर पंप सही है, नीचे का एसी का एसी का कंप्रेसर का आवाज है, और कोई किसी चीज का आवाज नहीं है। पहले एसी का बैरिंग डलवाते हैं, एसी कंप्रेसर में बैरिंग डलवा दी, और ये रही बैरिंग, पूरी तरीके से डेड हो गई थी, इस बैरिंग की वजह से घाय घाय मचा रही थी, इसको फेंकता हूँ साइड में, स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल सेट है, जब भी इंजन फ्लश करने की बारी है तो गाड़ी थोड़ा सा दिख रहे ना, इतना हीट होना जरूरी है। इंजन फ्लश है, कोई भी ले सकते हैं, शैम्पू ले सकते हैं, कैस्ट्रोल का, महिले का ले सकते हैं, या फिर सीबा का, मेरे को सीबा हुआ है, या फिर नूलोर, काफ़ी बढ़िया लगता है। अभी ऑयल खोला नहीं हमने, गाड़ी गर्म है, मैं अभी बताता हूँ गाड़ी क्यों गर्म जरूरी है। अभी स्टार्ट करेंगे, आइडल है 3 मिनट, तो 3 मिनट तक हम इसे स्टार्ट करके रखेंगे, 3 से 4 मिनट तक। गर्म गाड़ी क्यों जरूरी है आज जान लो सीक्रेट, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है यार, इंजन फ्लश तो कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कंडीशन क्या होना चाहिए इंजन फ्लश का। इंजन फ्लश ठंडी गाड़ी में करेंगे ना तो किसी काम का नहीं है, कोई फायदा नहीं है। गाड़ी गर्म होगी, कोई भी ऑयल जानते हैं उसके अंदर डिटर्जेंट होता है, ऑयल फोमिंग होती है, तो फोमिंग होने में ऑयल को 30 से 40 मिनट लग जाता है फोमिंग होने में, और कोई भी डिटर्जेंट फोमिंग के टाइम में ही अपना काम दिखाएगा। तो कभी भी गाड़ी हीट हो उस टाइम में टेम्परेचर ऑयल का ज़्यादा होता है,
अच्छे से फोमिंग हो पाती है और हमारी अच्छे से इंजन क्लीनिंग हो पाती है। तो कभी भी गर्म गाड़ी पे इंजन फ्लश करें, ना कि बिल्कुल ठंडे गाड़ी में डालें। इसीलिए मैंने साइलेंसर में पानी डाल के दिखाया कि गाड़ी गर्म है। 3 मिनट से ज़्यादा हो गया तो मैं बंद कर देता हूँ गाड़ी को। अभी ऑयल को खोल रहे हैं और हम भी इसमें सर्विस कर रहे हैं। अब ये देखो, ये गाड़ी है कंपनी से सर्विस होके आई है। कंपनी से 3 दिन पहले सर्विसिंग हुई है कंपनी से, आप देख सकते हैं। ये बाहर में नहीं कर सकता, ऐसे में कंपनी वाले ही करते हैं इतनी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या छूट गया था, 2-3 काम छूट गए थे। ये देखो, इसका ब्रेक पैड ध्यान नहीं दिया उन्होंने, ब्रेक आवाज़ कर रहे थे, क्यों बिल्कुल ख़त्म हुए पड़े थे ब्रेक, देख रहे हो ना। अब बिल्कुल उन्होंने ध्यान नहीं दिया। डिस फेस के लिए मैंने भेजा है और ये होंडा का ओरिजिनल 3500 के समथिंग, 3500 के समथिंग है डिस पैड डाल रहा हूँ ओरिजिनल। अब देखो कहाँ कहाँ छोटी छोटी लापरवाहियाँ हो जाती हैं ना इंजन के अंदर। सर्विस तो बढ़िया कर दिया, ऑयल पॉल सारे न्यू डाल दिए हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको, देख रहे हो ना, न्यू ऑयल है, यानी ऑयल न्यू है, ऑयल फिल्टर न्यू है, सब चीज़ न्यू है। रेडिएटर उन्होंने सफाई नहीं की, इसमें बैटरी डाउन हो रही है, कस्टमर ने बोला बैटरी डाउन हो रही है तो उनने ध्यान नहीं दिया। देखो मैंने डिसकनेक्ट कर रखा ना तार को, मल्टीमीटर का एक तार यहाँ और एक तार यहाँ, और ये डिसकनेक्ट कर दिया है। अभी भी देखो वोल्टेज, तो मैं पूरी गाड़ी तसल्ली से चेक कर रहा हूँ उस गाड़ी को, 3 दिन पहले सर्विस हो गया ये कंपनी में। तो ये ब्रेक, रेडिएटर, ये सारे चीज़ मैं कर रहा हूँ, पर यही है ना कि यार प्रोसेस करना ऐसा नहीं है, कंपनी से ऊपर हम नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है ना वो कोई कोई टेक्नीशियन यदि नहीं आजमाता ना तो फिर फेलियर हो जाता है। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ यार तरीके से करो, अच्छे से करो, सारे चीज़ टेस्ट करके करो। भाई चलो ठीक है, ऑयल फिल्टर, ये ऑयल फिल्टर है, इसको भी खोल दी। ये एयर फिल्टर है, खड़ी ज़्यादा रही है, चली कम है पर खड़ी ज़्यादा रही है। अरे तेरी यार भाई, ये खड़ी ज़्यादा थी, खराब फिल्टर इतने नहीं है जितना डस्ट दिखा रहा है ना, इतना है नहीं, बदलो जरा इसे। एसी का न्यू फिल्टर डाल देते हैं, ठीक है, लगाओ इसे। बस चैंबर नट टाइट हो रहा है, उसके बाद से ऑयल फिल्टर लगा दो, ये लो ऑयल फिल्टर लगाओ। और ब्रेक डिस्क को खोल लेते हैं, इधर का भी जो है ना, ये भी ब्रेक जो है फेस कराना पड़ेगा, डिस्क को जो है ना फेसिंग लेना पड़ेगा। चलो हटाओ इसे, धो के ले आओ बढ़िया करके। तो पहले ऑयल डालते हैं, उसके बाद थ्रोटल बॉडी को अच्छे से क्लीन करेंगे। निकाल लो इसे, इधर मोबिल सुपर डालने वाला हूँ मैं, 530 सिंथेटिक है, फुल्ली सिंथेटिक है, बहुत बढ़िया है, 2200 के समथिंग है, दिल दिखाओ जरा, ठीक है। अरे चैंबर टाइट है ना भाई, हाँ चलो। हाँ यार बहुत ही ज्यादा खराब है यार, पहले देख लिए थे, गियर ऑयल है यार, मुझे लग रहा आज तक नहीं बदला गया। तुम्हारे हिसाब से कैसा है अभी? उस्ताद जी ठटकवा रहे ब्रो, गंदा है बिल्कुल, ऐसा लग रहा है चार सर्विस में ही बदला गया ये। ये बदला ही नहीं गया यार, बात तो सच बात है। चलो कोई बात नहीं, हम बदलेंगे इसे गियर ऑयल। है ये गियरें नाश हो जाती हैं यार, एक तो गियर ऑयल भी कम लग रहा है मुझे, कितना होगा उसका? ये 1.5 लीटर मुश्किल से होगा, 1.5 लीटर होगा, 2.5 लीटर डलेगा इसमें। हाँ 1 लीटर कम है, ये देखो खत्म हो गया गियर। चलो फिर भी टपकने दो इसे, देखते हैं कितना टपकता है बिल्कुल। तो भाई बहुत ही ज़्यादा गंदा है गियर ऑयल। अभी रेडिएटर को खुलवा रहे हैं, इसे इसको हटा के उधर रखो, और उसके बाद से रेडिएटर को खोलो जरा, मुझे लग रहा बहुत ही ज़्यादा गंदा। और आगे करो तसला, अरे आगे, हाँ 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 साहब, एक कूलेंट हमने निकाल दी भाई, ठीक है, निकालो रेडिएटर, निकालो फटाफट। अभी रेडिएटर खोल लिए, हटाओ जरा, अब रेडिएटर को ले आके दो सफाई के लिए टोटल। अभी मोबिल का 80W90 गियर ऑयल डालने वाला हूँ मैं,
और उधर जो है ना क्रेटा का फुल सर्विस कर रहा हूँ, मेजर सर्विस जो इंजन में उतार रखा है ना क्रेटा का, उसमें टाइमिंग चेन क्लच मेजर सर्विस है, तो इसके लिए पूरा इंजन उतारना पड़ा। गाड़ी जितनी चलने में ख़राब नहीं होती है ना, तो उससे ज़्यादा खड़ी में ख़राब होती है। 3 साल खड़ी हो गई गाड़ी, कई सारे बैरिंग है जाप हो गए, एक एक बैरिंग देख कर फ्री किया, सुबह से साँझ हो गया। बहुत जंग हो रहा था तो एक बार में तो इतना हो गया साफ, थोड़ा सा और कर देते हैं। अब जो ना भर के पूरा बढ़िया सा क्लीनिंग कर देगा ये। डिस फेस करके डिस को लगा रहे हैं और ये फेंडर लाइन इधर से ये टूट रही थी, ये लगा देते हैं। मड फ्लैप क्यों नहीं मिला? मड फ्लैप मिलेगी नहीं यार, मड फ्लैप तो लगाना पड़ेगा यार, सारी शो उससे आती है। रेडिएटर इधर से फिटिंग हो रही है, रेडिएटर लगा दिए, अब कूलेंट को डाल रहे हैं। एडेल्फी का ब्लू कलर वाला कॉन्स्ट्रेट यूज कर रहे हैं, हैवी ड्यूटी नहीं है, ओ आरटीयू नहीं है, कॉन्स्ट्रेट है। राणा का डला हुआ तो क्या हो गया उससे? एयर फिल्टर होजिंग को धो रहे हैं बढ़िया करके, एयर फिल्टर होजिंग और ये वाली धो ली मैंने बढ़िया। वाइपर ब्लेड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे रस्टी, तो हम न्यू वाइपर ब्लेड डाल रहे हैं, और एक ही वाइपर ब्लेड ख़राब हो गया, ये भी न्यू डाल रहे हैं, स्पार्क का डाल रहे हैं भाई। शावर चलो पानी चेक कर लो इसके, ये भी बदल दो। ब्रेक और फेंडर लाइन इधर के लग गए, ब्रेक और फेंडर लाइन इधर के लग गए, कूलेंट हमारा डल गया। अब नेक्स्ट बारी है इसके थ्रोटल बॉडी की, इसमें कूलेंट पूरा करो। चलो एयर फिल्टर होजिंग फिट करो इसके, अब एयर फिल्टर लगा देते हैं। होंडा का ही है, मेड इन इंडिया आ गया, पहले होंडा जापान फिर होंडा थाईलैंड अब मेड इन इंडिया। पर मेन चीज़ ये है कि इसकी क्वालिटी थोड़ा, यहाँ क्लियर करके दिखाओ ज़रा, ठीक है जी। ये कहानी बन जाती है सारी, पेचकस ना मेरे को चाहिए तुम्हें, ये लो पकड़ो। बस चलो अब स्टार्ट करो, अब इसको फैन को चेक करो और ब्रेक ऑयल को बदलो। ये डॉट फोर यूज करने वाले हैं इसमें, दोनों में पकड़ो। धीरे धीरे जाएगा ये, ठीक है। तो ब्रेक ऑयल को भी हमने रिप्लेस कर रहा है, अब पीछे वाला पहिया खोलेंगे, अब पीछे वाला पहिये को देखेंगे कि क्या कहानी है उसकी। अभी बहुत स्लोली जाएगा, टाइम लगता है ब्रेक ऑयल में। एक डिब्बा डल गया, अब स्लोली जा रहा है अभी अंदर, ये डाल दिया, अभी फिर कम हो गया है, दोबारा से फिर मैं न्यू लेके आ रहा हूँ। अभी ये पूरा हो गया कम्प्लीट, ठीक है। पीछे के ब्रेक क्लीनिंग कर रहे हैं अभी, और काफ़ी जब गाड़ियां खड़ी रहती हैं ना, तो इसके जो रबर्स के पार्ट्स हैं वो सूखने के या सीलन आने के चांसेज होते हैं पूरा पूरा, तो अभी फिलहाल इसको क्लीनिंग करते हैं अच्छे से, इधर का भी और पटली साइड का भी। वाइपर पानी पूरा कर दिए, वाइपर ब्लेड न्यू डाल ली, अरे शाबाश, और चलाओ, बस रुक जाओ, छोड़ दो, छोड़ो, बस ठीक है, बढ़िया। तो ये शीशा बढ़िया साफ कर रहा है, और ये लाइनिंग तो शीशे के किनारे की है। हेडलाइट सारे जलाओ, सारे हेडलाइट चेक करो, हाँ। इंडिकेटर इसका नहीं जल रहा है, और इसका ब्रेक वाला नहीं जल रहा है, ना बैक वाला जल रहा है, यानी पूरा असेंबली ही नहीं जल रहा है। नहीं, इंडिकेटर तो जल रहा है पर धुंधला की वजह से, हाँ ठीक है। चलो इसका आके एक लाइट डालो, जरा बल्ब डालो इसे। अब इंटीरियर क्या क्या चीज़ें चेक करोगे आप? पहले हॉर्न चेक करो,
नहीं बज रहा है, हॉर्न खराब है ना। हाँ, अब इसके एसी के एक्चुएटर चेक करो, एसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। इसका है हीटर का देखो कि गाड़ी का हीटर हीटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, ठीक है। इसका हीटर हो गया, एसी। अब ये वाला एक फ्लैप देखो, पैरों में जा रहा है? जी जी जा रहा है। शीशे पे जा रहा है, ठीक है। ये खाली शीशे पे, हाँ ठीक है। ये फ्रंट आ गया? जी, हाँ ठीक है, ये ठीक है। अब एक बार इसके सारे विंडो के ग्लासे उतार के चढ़ा के चेक करो, ठीक है। उधर के ग्लासे चेक करो एक बार, चारों ग्लासे, चारों हैंडल, हैंड ब्रेक की क्या कहानी है? कलर दबाओ जरा, कलर दबाओ फुल। गियर की क्या कहानी है? ये सारे चीज सर्विस में चेक करना है, ठीक है? ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, ये ओके है। इंटीरियर देखो, कोई चेक लाइट तो नहीं आ रही है? नहीं। वाइपर हमारा चालू हो गया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास वाइपर, बढ़िया। सारे चीज रह गया, ये चीज ओके है। अब सारे दरवाजे का हैंडल, इंटर आरसी लीवर और आउटर हैंडल, ये सारे चीज चेक करो। बैक लाइट लाइट डालो और हॉर्न देखो क्यों नहीं बज रहा है। तो आप लेने के लिए, ये हॉर्न जो है भाई खराब है, तो हमने जो है ना न्यू हॉर्न हेला का डाल रहे हैं हम। भाई पूरी तैयार कर दी, बम्पर बम्पर लगा दिया, हॉर्न बजाना जरा। बस ठीक है, हॉर्न हो गया रेडी, ये सारे ब्रेक ब्रेक हो गया, साइलेंट हो गई गाड़ी बिल्कुल। अब क्या है इसमें, मैंने कलर बनवाए हैं थोड़ा सा, देख सकते हैं ये कलर। अब टचिंग करेंगे हम गाड़ी को धुलवाने के बाद। ये सारा तो फंक्शन उंक्शन बढ़िया काम कर गया, इंजन साइलेंट हो गया, मजे की बात है। जो इंजन साइलेंट नहीं था ना, घे घे मचाती थी, वो बहुत इरिटेटिंग आवाज था। तो अभी अलाइनमेंट हो गई फाइनल, और ये भैया निकाल रहे हैं पर्ची, और ये रहे हैं जो अलाइनमेंट करने वाले हैं। और इन्होंने मेरे को एक चीज बताई है, ये इन्होंने पर्ची निकाल दिए हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी अलाइनमेंट की पर्ची हो गई, और इन्होंने एक चीज बताई है कि टायर सूख रहे हैं इसके, देख रहे हैं ना ये टायर। और ऐसा नहीं है कि एक ही टायर सूख रहे हैं, चारों टायर सूखने की प्रॉब्लम है इसके अंदर। अभी मैं फ्लैश जलाता हूँ थोड़ा सा, देख रहे हैं ना ये क्रैक्स, ये टायर सूख रहा है, तो इसको चेंज कराना होगा यदि गाड़ी की स्मूथनेस चाहिए तो। ये टायर डेड है, ये हाईवे के माफी के टायर नहीं है, इसको हाईवे पे चलाने के लिए इस टायर को बदली कराना पड़ेगा। क्रैक्स देख सकते हैं, ये जो क्रैक्स हैं ये चीज है, और ये पीछे भी है, ये आगे भी है। इस तरीके से हमने अलाइनमेंट तो खैर करवा दी, ठीक है। और अब इसकी धुलाई धुलाई पे लगाओ इसे गाड़ी को। क्लीनिंग हो रहा है, उसके बाद से बाहर बाहर का लगेगा। हाँ ये है। अब मैं थोड़ा थोड़ा कलम टचिंग करना है। अब ये पीस जो डिक्की का आपने देखे थे पैनल, ये सारा रेडी हो गया, बन गया। ये जो चटक रहा था ये सारा हो गया, इधर से जो था वो सारा हो गया, इधर से जो था ये सारा हो गया। ये बम्पर की किनारी निकल रही थी, ये सारा बढ़िया हो गया बिल्कुल टकाटक। ये फेंडर लाइन पूरी दूसरी लग गई न्यू, ठीक है। ये किनारी हो गया ओके, और ये किनारी हो गया इधर से ओके, ठीक है। अब कलम टचिंग होगा जहाँ जहाँ है,
जैसे ये है तो इसको कलम टचिंग करेंगे, लेकिन अभी नहीं करूँगा मैं, अभी थोड़ा सा इसको सूखने के बाद इसकी कलम टचिंग करेंगे। हमने पेंट बनवा के रख लिए हैं, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये रहा, ये देख सकते हैं आप, ये वही वाला कलर है, ये देख सकते हैं गाड़ी का। तो हमने बनवा के रख लिए हैं, इसी के हिसाब से मैचिंग कर देंगे हम, टचिंग कर देंगे। ये लाइट बंद करना आगे का। अब पूरी तरीके से रेडी हो गई गाड़ी, ये गाड़ी हमारी बिल्कुल एक्यूरेट हो गई। अब मैं लेता हूँ इसके रोड टेस्ट। और इंटीरियर पिकअप तो बहुत शानदार आ गया यार, बड़ी हार्ड पिकअप है भाई, ब्रेकिंग भी अच्छी हो गई। भाई गाड़ी बढ़िया हो गई, एक तो कहते हैं अच्छी, ये कहते हैं बहुत अच्छी। अब थोड़ा सा इसका काम मुझे लग रहा है सस्पेंशनों में रह गया है, सोकर के माउंट ये सब। अब देखते हैं सर के पास कब टाइम मिलता है तो इसको भी कर देंगे किसी दिन। बाकी मेजर सर्विस तो हो गई, जो 3 साल से खड़ी थी रनिंग में तो आ गई। आवाज़ सुन ही सकते हैं, बिल्कुल साइलेंट हो गई, पहले बहुत ज़्यादा घें 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 मचा रही थी, अब तो भाई तीसरे गियर में उठा दी मैंने गाड़ी यार। अब गियर देख रहे हैं ना, ये तीसरा गियर है, अब गियर में चेंज नहीं कर रहा हूँ। एक्सीलेटर हॉर्न भी बजा दी, देखो अभी तक गियर चेंज नहीं किया था, समझ रहे हैं ना, ये तीसरा गियर था भाई। हॉर्न भी बज गया, बढ़िया हो गया, सारे चीज चेक कर लिए A to Z अच्छे से हो गई। क्लीनिंग प्लीनिंग भी देख सकते हैं इंटरनली, बहुत सारा साफ सुथरा अंदर से, तो A to Z बढ़िया हो गई गाड़ी। बाकी आपको पता नहीं कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर मार दीजिएगा औरों को पता पड़े तो। ओके थैंक यू यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सावधान रहिए। और आज इन लोगों ने जो है ऐसी नाश करी है यार, चला चला के यार ये सारा काम खराब हो यार। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यार। चालू कर ले। चालू है। मोबिल का ATW 90 डालने वाला हूँ, थोड़ा पास में आकर दिखा दे, एकदम टेक के खड़ा हो जा रहा है, तो फिर हो गया, वीडियो बन गई हमारी यार। अबे तू सही है।